हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ पे सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार करेंगे। सो चलो आज जानते हैं कि आज क्या स्पेशल होने वाला है इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जिमिन जे के एंड वी का इंटरव्यू रह गया था जिसको मुझे एक्सप्लेन करना था, वो भी हिंदी में आप लोगों के लिए। सो इस वीडियो में वही सारी चीजें हम देखेंगे एंड उसके साथ साथ कुछ फनी मोमेंट भी हुए थे जो आपने शायद मिस कर दिए इस इंटरव्यू में। सो मैं वो भी सारी चीजें आपको बताऊंगी। एक्चुअली इस इंटरव्यू को मैं कल ही डालने वाली थी बट बाय मिस्टेक एडिटिंग के टाइम पर ये सारी फुटेज मेरी डिलीट हो गई थी जिसकी वजह से मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ठीक है नेक्स्ट डे ही डालती हूँ। ओके सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्षमा जिमिन से बातें कर रही थी तो जिमिन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था एंड सभी आर्मी सोच रहे थे कि आखिर इतना जिमिन स्माइल क्यों कर रहा है। एंड जितनी भी सारे क्वेश्चन सक्षमा ने किए उनसे वो सारी चीज़ें यानी कि उन सभी का आंसर जिमिन ने बहुत बहुत ही प्यार से दिया। सक्षमा ने जिमिन से पूछा कि BTS के सभी एक एक मूवमेंट, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे उनके बैठने का तरीका हो, चाहे उनके बोलने का तरीका हो, एक एक सेंटेंस मीडिया में बहुत तेजी से वायरल होती हैं एंड सभी के बीच में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगता है। तो क्या आप बताएंगे कि क्या इस वजह से आपको शायद कुछ भी आपको करना होता है तो क्या आप इसके लिए दो बार सोचते हैं कि ऐसे करूं या वैसे करूं। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और कुछ भी करने से पहले तो दो बार तो सोचना ही पड़ेगा। इतनी तेजी से सर्कुलेट होती है उनकी सारी चीजें एंड हेटर्स तो बैठे ही होते हैं कि उनको कब क्या मौका मिल जाए एंड इसी वजह से वो BTS को क्रिटिसाइज कर सके। सो इसी वजह से सक्षमा ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया जिमिन से एंड सक्षमा ने जिमिन से पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी करने से पहले दो बार सोचना पड़ता है कि हमें कैमरे के सामने कैसे बोलना है, कैसे बैठना है एंड प्रेजेंटेशन कैसा देना है। देन इसके बाद जिमिन ने बोला कि थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता ही है, सभी चीजें अच्छे से हो जाए इस बारे में हम लोग सोचते भी हैं एंड कभी कभी इस चीज के बारे में डिस्कस भी होता है कि हमें कैसे क्या चीज कब कैसे करना है। देन जिमी ने बोला कि वही राइट टाइम भी होता है जब BTS के ऊपर सभी की अटेंशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि सभी लोग BTS के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं एंड सच बात यह है कि हमारे वर्ड्स या एक्शन एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं इस टाइम पर एंड जिसको लेकर लोग खुश भी होते हैं। सो इसीलिए हम सब हर टाइम अपने हर एक मोमेंट से पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एंड देन सक्षमा ने इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा तारीफ की जिमिन की एंड उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। देन उसके बाद सक्षमा की नज़र वी पर पड़ी एंड वी का सिग्नेचर लाइन यानी कि वी कैसे सभी लोग भूल सकते हैं। सो सक्षमा ने वी की तारीफ करते हुए बहुत सारी चीज़ें कहीं जिनको हेटर्स को ये लगता है, यानी कि BTS हेटर्स ही उन्हें बोल सकते हैं, उनको ये लगता है कि सक्षमा फ्लर्ट कर रही थी बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आपको जब इतना ही नहीं पता कि फ्लर्ट करने में एंड किसी की तारीफ करने में कितना डिफरेंस होता है तो आप कैसे किसी के बारे में ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें बोल सकते हैं। एनीवे देन सक्षमा ने वी से कहा कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ है एंड मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप पूरी रात गाना गाएंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो पूरी रात आपकी वॉइस को सुन सकती है, यानी कि आपके सॉन्ग को सुन सकती है। इतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ में मेलोडी है एंड बहुत ही स्वीट आवाज़ है आपकी, लाइक अमेजिंग है, सेक्सी है एंड टाइम टू टाइम आपकी वॉइस मुझे लगता है कि इम्प्रूव ही होती जा रही है। देन सक्षमा ने वी से पूछा कि क्या आप बताएंगे टाइम टू टाइम कोई वोकल एक्सरसाइज ले रहे हैं या उसके लिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वॉइस इतनी ज़्यादा अच्छी है। एंड सक्षमा ने ये बोला कि क्या आप जन्म से ही आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है। एंड इतना सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी सभी BTS मेंबर थे वो सभी अपने तरीके से सोचने लगे। देन वी ने थोड़े टाइम का पोज लिया एंड वो सोचने लगा कि मुझे यहाँ पर क्या आंसर देना चाहिए सब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या आंसर होने वाला है। था जो वी ने लिया हुआ था उसमें वी डेफिनेटली यही सोच रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसी वजह से देखने को मिला है BTS में आने के बाद कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है एंड आप BTS डिजर्व ही नहीं करते हो, यानी K-pop आइडल बनना आप डिजर्व ही नहीं करते हो एंड इस वजह से बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे एंड हैशटैग चलाने लगे वी को BTS छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि ना ही उसके पास अच्छी वॉइस है ना ही पर्सनैलिटी है। एंड देन धीरे धीरे वी ने उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड आप जो भी है आप देख ही रहे होंगे। देन थोड़ा टाइम लेने के बाद वी ने बोला कि एक्चुअली मेरे जो वोकल टीचर थे वो मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे कि तुम कैसा गा रहे हो, तुम ऐसे गाओ, तुम ऐसे गाओ, तुम्हारी वॉइस क्यों नहीं अच्छे से निकल रही है एंड मैंने इसको एक एडवांटेज की तरह लिया एंड देन उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, टाइम टू टाइम मैं खुद को इम्प्रूव करता गया एंड शायद इसी वजह से आज मेरी वॉइस इतनी अच्छी हो पाई है। फिर उसके बाद सक्षमा ने जंगकुक से पूछा, क्यों ना पूछते क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब फाइनली जंगकुक का नंबर कब आएगा। इस इंटरव्यू में फाइनली जंगकुक का भी नंबर आया एंड जैसे ही सक्षमा ने जंगकुक को देखा वैसे ही उनकी तारीफ करने लगी
यानी कि सक्षमा ने उनके बालों की सबसे पहले तारीफ की कि आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं कि आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हैं। जस्ट किडिंग, एक्चुअली सक्षमा ने बोला जंगकुक आई लव योर हेयर, यानी कि सक्षमा ने बोला कि जंगकुक तुम्हारे जो बाल हैं बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद हैं। एंड देन सक्षमा ने बोला कि आपने जो हेयर कलर करवाया है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं आप पर। एंड देन उसके बाद सक्षमा ने जंगकुक से पूछा कि आप जीरो से लेकर आज टॉप पर हैं, आपकी जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल भी आए एंड आप सभी ने ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस भी किया, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि एंड ऐसी कौन सी वो कीमती चीज़ है जो उस टाइम पर भी आपके साथ थी, आज भी है एंड आप चाहेंगे कि वो हमेशा आपके साथ रहे, सो क्या आप इस चीज़ के बारे में बताना चाहोगे। एंड देन जंगकुक ने बोला कि हम सब ने अपने डेब्यू टाइम से लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड सीखते आ रहे हैं, मेरे लिए कोई एक चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़्यादा हार्ड है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, एंड ये कहना कि मैंने लेसन सीखा है इससे ज़्यादा ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि मैंने मेंबर के साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड मेंबर्स के बीच में रहकर, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे जिनके वजह से हम एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके एंड मैं उन सभी के लिए थैंकफुल हूँ। यहाँ पर जंगकुक का ये कहना था कि जितने भी मेंबर हैं उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सो करते हुए जंगकुक ने बोला कि मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड इसे आपको ये चीज़ तो पता चल ही गया होगा कि पैसे से चाहे जितना भी रेपुटेशन हो एक पर्सन का या पैसा हो, बट कोरिया में जनरली लोग दूसरों को क्रेडिट देना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड ये काइंड ऑफ पोलाइटनेस भी माना जाता है कि आप अपना श्रेय दूसरों को भी दे रहे हैं कि आप जो भी हैं उनके वजह से, ये नहीं कि द वन एंड ओनली मैं। और शायद यही वजह है कि BTS ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं एंड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं एंड उनको एक दूसरे की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, टाइम टाइम पर ये चीज़ शो भी करते हैं। एंड जंगकुक की बातें सुनकर सभी लोग स्माइल करने लगे एंड J-Hope अचानक से बहुत तेज़ी से हंसने लगा और फिर अचानक से सभी लोग सोचने लगे क्या हो गया। स्पेशली सक्षमा सोचने लगी कि अचानक से क्या होगा क्योंकि उसे वैसे भी कोरियन समझ में उतनी ज़्यादा अच्छे से आ नहीं रही थी और फिर अचानक से एक साइलेंट टाइम में इतना सीरियस बातें हो रही थी और अचानक से J-Hope का हंसना, सभी लोग चौंक से गए कि क्या हो गया। एंड में सक्षमा ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मेंबर से पूछा कि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से कभी कभी आप टायर्ड भी फील करते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते होंगे एंड मन भी नहीं करता होगा कि आप परफॉर्मेंस दें, इंटरव्यू में जाएं या फोटोशूट कराएं, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं एंड फैंस को चेयरफुल दिखाते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है एंड उस टाइम पर कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं एंड खुश रख पाते हैं। देन उसके बाद जिन ने बोला कि हमें पता होता है कि हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं एंड देखने वाले होते हैं जब भी हम कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं एंड ये चीज़ हम फील करते हैं कि अगर हम आधे मन से कोई काम करेंगे तो वो पता चल ही जाएगा हमारे फेस से कि शायद वो चीज़ें परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेंगी कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो या बहुत सारी चीज़ें, सो हमें खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है सो दैट कि हम स्टेज पर या इंटरव्यू में या कहीं पर भी जो भी वर्क कर रहे हों उसमें ये ना दिखाएं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं या बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं एंड अपने आप को एक एनर्जेटिक फील कराना होता है हम सभी को, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग तो होता है बट कभी कभी उसमें मज़ा भी आता है क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि फैंस उसे इंजॉय कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं एंड मोटिवेट करती हैं। एंड स्टेज पर जाने से पहले हमारे सबके माइंड में एक ही चीज़ होती है, लेट्स डू आवर बेस्ट, एंड शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से हम अपना अच्छा कर पाते हैं। पता लग ही गया होगा कि इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा औसम था, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था, यानी कि इंटरव्यू जब आया भी नहीं था तभी मैंने बता दिया था कि ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि सक्षमा के पास जितने भी सारे क्वेश्चन थे BTS को लेकर एंड आप सभी के मन में जितने भी सारे क्वेश्चन रहे होंगे वो सारी चीज़ें सक्षमा ने कोशिश की कि वो अच्छे से एक एक करके एक एक मेंबर के साथ वो चीज़ें पूछ सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक से एंड सब्सक्राइब करके बताना। फॉर मोर अपडेट्स मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सो दैट कि आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट देती रहती हूँ। ओके सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।